चुके हैं बीच में $40 है। फाइनली 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 भाई साहब ले चुके हैं। तो जाने से पहले भाई कपड़े हम भाई सुखाने के लिए डाल देते हैं ताकि जब वापस आए तो सूख जाए, तब तक मन ऐसे पड़े रहेंगे तो सूखेंगे नहीं ना। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू, कैसे हो आप सब लोग। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है हमारी, ठीक है अब निकलते हैं काम पे। तो दरअसल हमने सब कुछ लॉक कर दिया, सब कुछ डन है, तो बस चलते जॉब पे। फिर वापसी आके एक जरूरी काम है, बल्कि टाइटल एंड थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा क्या जरूरी काम है। तो फिर मैं निकलता हूं जॉब पे। पर मेरे जाने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। अब तो मैं हर वीडियो में कहता हूं और आप लोग कर भी रहे हो, बहुत अच्छी बात है, सही है। तो आप लोग करो, फिर मैं तब तक जॉब पे निकलता हूं। बाकी आप देख लो, दिन हो चुका है शुरू, मतलब कि दिन वैसे भी ना सूर्य निकल चुका है तो दिन हो गया वैसे इधर, मतलब चिन चाड़ गया जिसे बोलते हैं। हाँ ठीक है, तो बस अभी मैं निकलता हूँ फिर, तो फिर आपके बाद में मिलता है जॉब से आके वापसी पे। तो जी अभी ब्रेक का टाइम हो गया, तकरीबन 12:30 हो रहे हैं। तो ये सब कुछ अपना काम है, आप देख लो इंसान ही पड़ा हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत ही काम था, हम बहुत पहले कर गए थे क्लियर वाली साइड, तो इसमें थोड़ा बहुत काम बाकी था वो करने आए, अभी दो ही आए हम। ये जितना भी स्टील है ये सब मतलब हम इंस्टॉल करते हैं, जितना भी आता है वो पीछे, इधर से नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन पहले जिसने ये वीडियो नहीं देखी मेरी जॉब वाली, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, ये थंबनेल है और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, वो आप बिल्कुल आप प्रॉपर देख लो, तो इसमें आपको पता लग जाएगा कि हमारा कौन सा काम है कौन सा नहीं। तो बस ब्रेक है, ब्रेक में बैठे हुए हैं अभी। सच्ची बात है गर्मी आ गई है, मतलब कि बुरा हाल होना शुरू हो गया। और आप देख लो जैसे सामने मैंने आपको दिखाया, काम सारा धूप में ही होता है, मतलब कि है ही नहीं छत तो है ही नहीं, तो फिर छांव कैसे होगी, तो सारा धूप में ही होता है, तो थोड़ा मुश्किल होना लग गया। अब तो कोई बात नहीं, मेहनत करनी है, करेंगे तो भाई जिंदा रहेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं रहेंगे ना, तो कोई बात नहीं, कोई कर लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे। हाय जवानी कितने पे तक है खानी है। तो लो जी आ चुके वापिस, कैसा लगता है ना वीडियो में देख के पास, यूं क्या यूं आया है, किसी कोई पता नहीं चलता कितना टाइम लगाया कितना नहीं लगाया, वो तो हमें ही पता है, कोई बात नहीं, जाने वाला वापिस ही आता है, टेंशन नहीं है। और वापिस इसलिए आते हैं कि सुबह जाना होता है। वाह वाह क्या बात है, क्या सस्ती शेर शायरी है। सुबह नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं और जो अपने कपड़े हमने सुखाने के लिए डाले थे वो पकड़ लेते हैं, लेकिन वो देखो मुझे कुछ नजर आ रहा है, मैं आपको लोगों को भी दिखाता हूँ, ठीक है। पेंट के बीच में कल मेरे पैसे रह गए थे, मेरे याद नहीं था। और भाई साहब ये देखो दुल चुके हैं बीच में, $40 है। तो भाई साहब मतलब कि कितने हुए पाकिस्तानी कोई 5-6 हज़ार मेरी पेंट में धुल गया, लेकिन देखो बच गया। किस किस को पता है कि जो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ना वो लाइक प्लास्टिक या वाटर प्रूफ है, वो वैसे ही नहीं है मतलब कि पाकिस्तानी की तरह। अब जैसे पाकिस्तान में तीन अगर मेरा ये वाला, मतलब मान लो पाकिस्तान में मेरे पैसे होते हैं और वो धुल जाते तो आपको पता क्या हालत होती है उसकी, उसको इस्त्री कर लो जो भी कर लो वो फिर ख़राब हो जाते हैं, लेकिन वैसी की वैसी है, सेम जैसी पेंट में थी धुलने के बाद ही वैसी की वैसी है। तो भाई कुछ ना कुछ फ़ायदा है ऑस्ट्रेलियन करेंसी का, हमें का प्लास्टिक नहीं है। तो बस इसको उतारते हैं यहाँ पे। खाओगे ऐसे टाइटल थंबनेल से आपने देख लिया होगा मतलब किस चीज़ की बात होने वाली है। तो कोई नहीं, बस वहाँ पे भी थोड़ी देर बाद जाना है, मेरी बात हो चुकी है। तो बस मुझे जैसे फ़ोन आएगा उस भाई साहब का मैं वहाँ पे निकल जाऊँगा, अभी थोड़ा टाइम है, अभी तकरीबन 7 बज रहे हैं, फिर मैंने जाना तकरीबन 8 बजे तक, तो अभी थोड़ा सा टाइम है, ज़्यादा नहीं। तो उतने दिन में क्या करते हैं हम अपना खाना खत्म कर देते हैं, मतलब कुछ बनाया तो नहीं है लेकिन फिर भी देखते कुछ ना कुछ तो करके फिर खाते हैं पहले। तो आज फिर फ्रिज का टूर करवाते हैं आपको, भी बताते हैं फिर देखते क्या खाने का हमारा दिल है। तो ऊपर हमारे पराठे पड़े, इसको इग्नोर करिए, ये आइसक्रीम, ये इसका तो भी खैर मूड नहीं है। तो चिकन सॉसेज रोल पड़े हैं, समोसे पड़े हैं, ये पता नहीं सैलेड क्या है, मुझे नहीं पता, कोफ्ते पड़े हैं, पीछे क्या है, पीछे रोल पड़े हैं जी, ठीक है सारा कुछ है। ये तो चिकन पड़ा है और ये स्टेक पड़ी है, काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन ये नहीं पता कोफ्ते जो है वो कौन से है, वो लाइक वो जो यूज़ होते हैं सालन में वो वाले हैं या ऐसे, कि ऐसे ट्राई करके देखता हूँ कहीं क्या कैसे मतलब बनेगा, वो नहीं बनने वाले हैं दूसरे, तो वो मैं चेक करता हूँ फिर उसको खाते नहीं। तो फाइनली भाई सब कुछ डन हो चुका अपना और कॉल पे बात हो चुकी है, तो मैं जा रहा हूँ भाई इंडिया पाकिस्तान मैच की टिकट लेने। तो ठीक है, तो अभी सबसे पहले ना ये देख लो फ्यूल तरह लो है, दो सेल उसके बाद चाहिए मतलब कि खत्म होने वाला है, तो फ्यूल पहले चलते हैं पेट्रोल पंप, फिर फ्यूल डलवाते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं जहाँ से टिकट लेनी है उस बंदे से मिलने चलते हैं। एंड सेकंडली मतलब कि आपने हर थंबनेल में देख ही लिया टाइटल थंबनेल में क्या प्राइस है, बट फिर भी मैं आपको बताने इसके बाद बताऊंगा जब टिकट परचेज करूंगा कितने में डील हुआ, बस दुआ करना कि लाइक डील अच्छे से गुजर जाए, मतलब ज़्यादा मुश्किल ना हो, तो फिर आपको बाकी बात बाद में बताता हूँ। जी पेट्रोल हो गया तो जाके पे करते हैं फिर। देखो दी छोटी सी गड्डी है अपनी, फिर भी $40-50 का फ्यूल पी जाती है, मतलब हर चौथे दिन $40-50 का फ्यूल, कोई बात नहीं रखा हुआ है, हम कमा रहे हैं, आपने पीते रहना पेट्रोल, टेंशन लेनी, बहुत अमीर है आपका मालिक।
फाइनली भाई साहब ले चुके हैं हम पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच की टिकट। तो ये जो उंगलियां रखी हुई है ना वो जरा डिटेल है, तो रखा है। बाकी आप देख सकते हो ठीक है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 23 अक्टूबर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। तो भाई साहब फाइनली ये चीज अब हुई ना बात। तो बेसिकली मैं ना बताता हूँ, जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया था मैं तब से टिकट ढूंढ रहा था कि टिकट ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की टिकट, क्योंकि मुझे पता था अक्टूबर में मैच होने वाला है। लेकिन वो क्या था कि दूर था मैच तो मुझे मिल भी नहीं थी, तो मैं इतना खास इंटरेस्टेड भी ना, मतलब 50% इंटरेस्ट था मुझे कहाँ मतलब कि लेनी है। लेकिन वो जरा बिजी शेड्यूल की वजह से मैं इतना फोकस कर नहीं था पा रहा। लेकिन भाई मुझे ना इतने इंस्टाग्राम पे मैसेजेस, इतने लाइक कमेंट्स आ रहे थे कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच जरूर देखना। मतलब मैं कोई भी वीडियो डालता था ना वो किसी चीज से रिलेटेड होती थी, उसके नीचे मतलब हर किसी ने ये लिखा होता था भाई नहीं पाकिस्तान इंडिया का मैच देखना ही देखना अपने। तो मतलब मान लो 50% मेरा मूड था, 50% मतलब कमेंट देख के मेरा मूड बन गया। तो मैंने कहा हाँ भाई अब मतलब के लेनी है कुछ भी हो रहे। तो लाइक मैं ढूंढना शुरू कर दी ठीक है, मिलनी थी। तो हुआ कुछ यूं, मैं बताता हूँ। पाकिस्तान ग्रुप बना हुआ है एक मतलब फेसबुक पे, तो वहां पे भी टिकट सेल हो रही थी। लेकिन उसका एक रीजन है वहां से मैं क्यों परचेज नहीं की और मैं क्यों कंफ्यूज था। तो बेसिकली वहां पे तो बहुत पहले सेल हो रही है, उसका मैं बताऊं सबसे पहले आपको कि ना जैसे यह टिकट है इसके ऊपर एक QR कोड होता है ठीक है, जब आप एंटर होते हो आप वहां पर स्कैन करके एंटर हो जाते हो ठीक है। अब मुझे क्या पता कि यार जिस बंदे से मैं खरीद रहा हूं उसने ये टिकट सिर्फ मुझे ही सेल किया, क्या पता उसने आगे 10-15 लोगों को और को सेल किया। और उसकी प्राइस आपको पता कितनी थी, $300-$500 एक टिकट का ठीक है। ये कोई मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच बात बता रहा हूँ मैं, सबको पता जो ऑस्ट्रेलिया में अगर रहते हैं उससे आप पूछ के देख लेना कि भाई टिकट जो भी सेल हो रही थी वो 300-200-250-300-400-500 इस तरह भाई डॉलर में सेल हो रही थी, मतलब के ब्लैक में, सिंपल वर्ड में बोलो को ब्लैक में। और टिकट की एक्चुअल प्राइस पता कितनी थी, $30-$40 मैक्सिमम, $30-$40-$50 और जो कि वो पता नहीं कितने परसेंट बढ़ा चढ़ा के वो इतने की सेल हो रही थी ठीक है। तो मैं वहां से इसलिए परचेज नहीं था करना चाह रहा क्योंकि पहली बात एक चीज मैं ले रहा हूँ ब्लैक पे, ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैं ले नहीं रहा, मतलब ऑफिशियल्स के थ्रू तो मैं ले नहीं रहा। एक चीज मैं किसी को डायरेक्ट कैश पे करूं, मान लो मैं किसे लेता हूं तो मैं उससे क्या गारंटी है कि वो टिकट मुझे सही दे रहा है, मतलब कि सब कुछ लीगल तौर पे। मान लो अगर वो टिकट फेक निकलाती है तो मैं किसके पास जाऊंगा, मतलब मेरा जो 300-200-300 जितना डॉलर भी गया है तो मैं किसको जाकर कंप्लेन करूंगा कि भाई मेरे पास टिकट है तो बताओ मैंने इससे ली थी तो ये देखो ये चल नहीं रही तो इसने मेरे स्कैम किया। भाई साहब नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें बोलना भाई तुम ही ऑलरेडी गलत कर रहे हो, तो लाइक तुमने ही एक चीज दो नंबर तरीके से लिया तो तुम किस पे कैसे लीगल एक्शन ले सकते। तो वो उल्टा ये ना मुझे पकड़ लेगा भाई तू इधर आना पहले, एक तो एक चीज गलत चीज तू कर रहा है फिर दूसरा तो दूसरे को गलत बता रहा है। तो मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो ब्लैक में चीज ली जाती है ना उसका कोई भी हिसाब किताब नहीं होता, तो वही हिसाब इधर हुआ। तो दूसरा अब यह है कि ये जो टिकट ली है ये मुझे पड़ी है $150 पाकिस्तानी अमाउंट, पता नहीं कितनी बनती, नीचे लिखी आ गई होगी आपको। तो क्या है मैं आपको दूसरा बताता हूँ कि ये जो टिकट है ये है जानने वालों से मिली है, मतलब को जानने वाले जिनसे लिया मैंने, तो ज्यादा मसला नहीं है। तो मान लो अगर ये टिकट नहीं चलती तो बता जाएगा था ये लो भाई ये आपकी टिकट नहीं चली ये मुझे पैसे दे दो, तो वो पैसे वापस कर देंगे ठीक है। तो दूसरा ये है कि जो इस बंदे से मैंने लिया वो बंदा भी स्टेडियम में मेरे साथ ही होगा, मतलब कि वहीं पे होगा, अगर कोई भी इशू होता है तो वो बंदे को मैं बुला लूंगा जी भाई ये देखो यार आपकी टिकट थी नहीं चल रही। तो ये सारा रीजन है मतलब कि टिकट ना पहले से परचेज करने का, और फिर मुझे एकदम से समझ लो जैक लगा और मैंने परचेज कर ली। तो फिर अब मिलेंगे आपको भाई पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच में संडे को ठीक है, सिर्फ 3-4 दिन रह गए। तो आई एम रियली एक्साइटेड, मैं बहुत खुश हूँ यार, मुझे मेरी लाइफ में ना पहला मौका होगा कि मैं इंडिया पाकिस्तान का मैच लाइव देखूंगा, मतलब इंडिया पाकिस्तान का मैच के अलावा भी मतलब कि किसी स्टेडियम में पाकिस्तान का मैच देखने जा रहा हूँ, वो भी वर्ल्ड की टॉप टीम इंडिया के साथ, मतलब कि पाकिस्तान भी एक टॉप पे जा रही है और इंडिया भी टॉप पे जा रही है, तो दोनों टीम का लाइक हर बार एंड लेवल होता है। तो फिर देखने का मजा आ जाएगा, अब ज्यादा एक्साइटमेंट मैं यहीं भी शो नहीं करूंगा, सिर्फ संडे को मिलते हैं आपको इस टॉपिक के साथ। फिलहाल यही बताना था कि टिकट हो गया डन, तो कंग्रेचुलेशंस टू मी एंड मी ओके। तो फिर चलते हैं घर की तरफ। तो भाई ये मैं अपने चैनल का नाम आपको टोटल आज तक जितनी मेरी वीडियो है उनका ओवरव्यू दिखाने लगा ठीक है, ये मेरा नाम आ गया ठीक है। देखना भाई किस कंट्री में मेरी वीडियो कितनी देखी जाती है। चलो मान लेते मैं पाकिस्तान से हूं तो नॉर्मली पाकिस्तान से मुझे अराउंड 4 मिलियन लोग देख चुके हैं, मुझे मतलब के 40 लाख बंदे भाई। उसके बाद देखो इंडिया में भाई 20 लाख बंदे मुझे देख चुके हैं इंडिया से, ओ भाई साहब मतलब के क्या बताऊं, मतलब ये तो मेरी कंट्री है ना नंबर वन पे, ये तो नॉर्मल है मेरे लिए, कुछ भी नहीं है, मतलब ठीक है कि पाकिस्तानी हूं तो मुझे पाकिस्तानी लोग ही देखेंगे ठीक है। लेकिन इंडिया से भाई 2 मिलियन मतलब के 20 लाख लोग मुझे देख चुके हैं, सऊदी अरेबिया से देखा जाए तो 2,11,000, यूनाइटेड अरब अमीरात मतलब दुबई वगैरह से 2 लाख ऑलमोस्ट, भाई क्या बात है। यूनाइटेड किंगडम UK से देखो भाई 74,000
ऑस्ट्रेलिया में मुझे भाई देखा गया 72,000 बार, मतलब के 72,000 बार है, एक ही तो बात है, मतलब क्या था इसका। यूनाइटेड स्टेट से 68 बार, इटली से 51,000, मलेशिया से 50,000 बार, इंडोनेशिया से 40,000, कैनेडा से भी तकरीबन 40,000 इसराम। तो भाई बहुत, मतलब मैं ये तो ऐसे खो रहा था, मैंने देखा, मैंने कहा चेक तो करूं मेरे चैनल की लाइफ टाइम की क्या व्यूअरशिप है, मतलब कितने लोगों को देखा। भाई सच्ची बता रहा हूं, लाइक टोटली आई एम सरप्राइज्ड, मतलब के रियली, मतलब ठीक है पाकिस्तान से नॉर्मल है मेरे लिए, मुझे यकीन करो नॉर्मल लग रहा है बिकॉज इतना कोई है नहीं। लेकिन जो बाकी कंट्रीज आ रही हैं और जो सेकंड नंबर पे इंडिया आ रही है ना, ये एक अलग ही फीलिंग है मेरे लिए कि 20 लाख लोग, यार छोटी बात नहीं है, 20 लाख एक अमाउंट होती है, ठीक है। बाकी कंट्रीज भी आप देख लो, मतलब कि दिल गार्डन गार्डन हो गई। तो मैं ऐसे ही लैपटॉप पे मैंने खोला तो आ गया, अच्छा मोबाइल पे इतना सब कुछ नहीं आता। और दूसरी बात यार देखो, ये चीज तो दिल तोड़ने वाली है ना, मतलब एक तरफ खुशी है दूसरी तरफ दिल तोड़ने वाली बात है कि देखो नॉट सब्सक्राइब 55% लोगों ने, मतलब तक सब्सक्राइब ही नहीं किया, मतलब दिल से बुरा लगता है यार, सब्सक्राइब करो प्लीज 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 सब्सक्राइब करो यार। सिर्फ 45% लोगों ने किया हुआ, मेरे 60,000 सब्सक्राइबर है, अगर आप 55% लोग सब्सक्राइब कर दें तो 1,00,000 से ऊपर निकल जाते हैं यार।